प्रेस वार्ता का मोटिव क्या है। तो हमने एक फिल्म बनाई है यहाँ पर जिसका नाम है अगर तुम साथ हो। इसमें सारे रीवा के आर्टिस्ट हैं और रीवा का प्रोडक्शन हाउस है। लेविजन के अंतर्गत ये फिल्म आ रही है। 23 तारीख को फिल्म रिलीज़ होगी यूट्यूब लेविजन पर। 12:30 बजे फिल्म प्रदर्शित कर दी जाएगी हमारे विंध्यवासियों के लिए और समूचे देश के लिए ही। लेकिन विंध्य का ये है कि एक अलग लगाव है, हम विंध्य से ही बिलोंग करते हैं और काफ़ी खूबसूरत फिल्म है। हम चाहते हैं कि विंध्य की जनता देखे और यही मोटिव है कि आज ये थोड़ा सा मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये चीज़ें दूर तक पहुँचें। जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक हमारा प्रोडक्ट पहुँचे। ये आपकी सुनाई में ऐसा क्या विशेष है कि लोगों को अच्छा पसंद आएगा, विशेष चीज़ें? जी, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। सबसे पहले ये है कि इसकी कहानी बहुत अच्छी है, यूथ ओरिएंटेड है। ज़्यादातर आज OTT में या YouTube में यूथ ही ज़्यादातर देखते हैं, तो यूथ ओरिएंटेड मूवी है। एक कपल की स्टोरी है, उसके इर्द गिर्द एक ड्रामा होता है, थोड़ा सस्पेंस रहता है, थोड़ा रोमांस है, थोड़ी सी और चीज़ें हैं इसमें। तो वो कुल मिलाकर एक पैकेज कह सकते हैं आप कि हम एक 15 मिनट में कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं विद क्वालिटी कंटेंट के साथ। कंटेंट में बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप लोगों ने शायद ट्रेलर भी देखा है। तो और अच्छी बात यह है कि सब यहीं के लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल सीखा हुआ है सबने पहले। ये बात क्या है? भैया महत्वपूर्ण उस फिल्म में यही है सबसे ज़्यादा कि ये दर्शक इसको वो करेंगे कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वो अगर हम बता देंगे तो उसका रहस्य खत्म हो जाएगा। एक्चुअली मैसेज ये है कि लाइफ, अगर कोई अपना भी हिसाब नहीं है, लाइफ को जीना नहीं छोड़ना चाहिए उसको, ऐसे ही। बहुत खूबसूरत मैसेज है। ज़िंदगी में एक मोटिवेशन भी दे गई ये फिल्म। ऐसा नहीं है सिर्फ रोमांस बस नहीं है, वो अपने तरीके से है कि देखने वाला किस नज़रिए से फिल्म को देख रहा है। सबसे खूबसूरत बात यही है, आप जिस तरीके से देखेंगे वो उस तरीके से दिखेगी। अगर भैया किसी दूसरे तरीके से देखेंगे तो वो दूसरे तरीके से दिखेगी। ये फिल्म का सबसे बड़ा जो वो है पॉइंट है वो यही है, अट्रैक्शन जो है। इसमें रीवा की किन चीज़ों कहाँ कहाँ शूटिंग की गई है, रीवा इसके बाहर भी गई थी, रीवा की विरासत भी इसमें लाई गई है? जी जी, फिल्म को शूट करने में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब प्रभाकर सिंह साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक अहम योगदान कह सकते हैं। इनके बिना ये फिल्म नहीं बन सकती थी। तो सर के ही उसमें शूट हुआ है पूरी फिल्म का, जो कि रीवा बाईपास में सर का